देखो टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म में टोटल जो फाइव फेसेस होते हैं, प्रिज्म में टोटल कितने फेस होते हैं? फाइव फेसेस होते हैं। यानी कि उस केस में अगर देखो प्रिज्म, मतलब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होते हैं, दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेस होते हैं इसमें। यानी कि इसमें टोटल क्या है, एक सिस्टम है जिसमें फाइव फेसेस होते हैं, टू ट्रायंगुलर और थ्री रेक्टेंगुलर। इस फेस को बोलते हैं प्रिंसिपल फेस। टोटल कितने फेस हो जाएंगे इसमें? फाइव फेस होंगे, दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर। यानी कि सिस्टम है प्रिज्म में, एक सिस्टम होता है जिसमें फाइव फेसेस होते हैं, दो ट्रायंगुलर होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर होते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फेस। जो रेक्टेंगुलर वाला फेस है, ट्रायंगुलर वाला जो फेस है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फेस। अगर आप इसके ऊपर लाइट रे डालोगे, इस पर अगर आपने लाइट रे डाली तो वो विदाउट डेविएशन जाती है। लाइट रे फॉल ऑन प्रिंसिपल फेस, देन नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होगा प्रिज्म के केस में। अगर लाइट रे आपने क्या डाल दिया ऐसे प्रिंसिपल फेस पे, तो डेविएशन नहीं होगा, विदाउट डेविएशन जाती है लाइट रे, नो डेविएशन। सीधा उस प्रिंसिपल फेस पे डालो, विदाउट डेविएशन जाएगी। हाँ, मतलब किसी तरीके से फेस होता है ऐसे, ट्रायंगुलर होती है, उसके ऊपर लाइट रे डालोगे चाहे ऐसे डाल दो, ऐसे विदाउट डेविएशन जाती है। प्रिंसिपल फेस पे अगर लाइट रे डालोगे तो विदाउट डेविएशन जाती है लाइट रे, ठीक है। यानी कि जो ट्रायंगुलर फेस होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फेस। उस पर आप लाइट रे डालोगे तो विदाउट डेविएशन जाती थी, इधर से डालते थे इधर से डालते, ठीक है, कोई भी डेविएशन नहीं आता उसमें। यानी कि क्या हो गया, एक प्रिज्म अगर बोले तो एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फाइव फेसेस। कितने फेस होते हैं इसमें? फाइव फेसेस होते हैं, टू ट्रायंगुलर और थ्री क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर। टोटल फाइव फेस होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फेस। इफ लाइट रे फॉल ऑन प्रिंसिपल फेस, देन नो डेविएशन, विदाउट डेविएशन वो मूव करती है, कोई भी डेविएशन नहीं आता उसमें। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये तो क्या है, उसका 3D व्यू है प्रिज्म का, ये क्या है 3D व्यू है। 2D में अगर बनाओगे तो ऐसे बनाएंगे, हर क्वेश्चन में आपको जो मिलेंगे उस सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। यानी कि ये वाला जो ट्रायंगुलर फेस है वो आगे की तरफ, तो लाइट रे जो पड़ती है वो रेक्टेंगुलर फेस पे डालते हैं। लाइट रे अगर डालोगे तो वो किस पे पड़ेगी? रेक्टेंगुलर फेस पे। ये तो ट्रायंगुलर फेस सामने हो गया, एक ट्रायंगुलर फेस पीछे, तो लाइट रे किस पे डालते हैं? रेक्टेंगुलर फेस पे। समझ में आ गया आपको? ऐसे होती है उसमें। मैं प्रिज्म देख के दिखाती हूँ। इसमें हमेशा किस में ड्रॉ करेगा? 2D में ही ड्रॉ करता है। और हमेशा लाइट रे जो पड़ेगी वो किस पे पड़ती है? रेक्टेंगुलर फेस पे पड़ती है। अगर आप ट्रायंगुलर फेस पे डालोगे, इसको प्रिंसिपल फेस बोलते हैं, तो लाइट रे क्या जाएगी? विदाउट डेविएशन मूव करती है। इस तरीके से इसका प्रैक्टिकल भी होता है। लाइट रे आप डाल के देख लो, इसमें सनसेट सन में रख दो तो लाइट रे, लेजर लाइट देख लो, डाल के देखो, इस पे डालोगे तो विदाउट डेविएशन जाएगी, इस पे डालोगे तो डाइवर्ट होगी फिर वो, ठीक है। अब लेजर लाइट डाल के देख लो, इसका प्रैक्टिकल भी होता है कि इसमें पिंस वगैरह लगा के लाइट रे कितना डेविएशन आता है, डेविएशन इन्हें प्रिज्म का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलती है, मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म होता है जिसमें तीनों एंगल क्या होंगे इक्वल। आइसोस्केल्स भी मिल सकती है, स्केलन भी मिल सकती है जिनमें तीनों अलग अलग होते हैं। स्केलन ट्रायंगल में आइसोस्केल में दो इक्वल होंगे एक अनइक्वल होगा, तो कोई भी मिल सकता है। बट ज़्यादातर जो 99% जो 95% क्वेश्चंस होंगे उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलती है जिसमें तीनों ही इक्विलेटरल प्रिज्म मिलता है जिसमें तीनों एंगल इक्वल इक्वल होते हैं। तो इस केस में लाइट रे को आपने ऐसे डाला, लाइट रे को क्या डाला आपने ऐसे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा इंसिडेंट फेस। ये क्या होगी इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगा इंसिडेंट फेस। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इस बाहर तो ये N1 मीडियम है, ये क्या है N2 मीडियम है, बाहर ज़्यादातर एयर ही मिलेगी प्रिज्म में। बाहर क्या हो जाएगी एयर, ये वन हो जाएगा ये प्रिज्म यानी कि ग्लास का आपको दे देगा कि इतना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, ठीक है। तो वो किस ग्लास का बना होगा, तो अलग अलग प्रिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है देगा आपको, गिवन होगा, ठीक है। मतलब अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चंस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है, तो बाकी की चीज़ें देगा वो, आप रिलेशंस पढ़ेंगे वो उसमें समझ आ जाएगा कि क्या क्या गिवन होता है। तो ये क्या हो जाएगा इंसिडेंट रे। आप थोड़ी सी आवाज़ कम करोगे तो बेटर होगा, थोड़ी सी वॉल्यूम कम, ये इंसिडेंट रे। अब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या फिर अवे द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल जानी चाहिए थी ऐसे, तो ऐसे बैंड हो जाएगी ये, ऐसे इस फेस पे पड़ेगी। अब नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल। अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो किधर मूव करेगी, अवे द नॉर्मल जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे तो बैंड कर जाएगी ऐसे, ठीक है। ये एंगल ऑफ ये R1 अवे द नॉर्मल बैंड नहीं करती, तो ये नॉर्मल है ना, ये तो जानी चाहिए थी ऐसे। अगर दोनों मीडियम सेम होता ये नॉर्मल है ना, इसको इरेज कर देती हूँ, ये नॉर्मल हो गया तो अवे द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये एंगल क्या हो जाएगा R1, ये क्या होगा R2, और ये होता है E। इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, ये क्या होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, होती है एमरजेंट रे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट फेस, ये एमरजेंट फेस, ठीक है। ड्रॉ कर लो इसको, ये होगा कौन सा इंसिडेंट फेस, ये होगा एमरजेंट फेस। यहाँ पे I1 जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 जो होगा वो क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और किसके साथ इनसाइड वाला होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये इनसाइड वाला मतलब अंदर जो प्रिज्म के बनता है वो R1। R2 जो होगा यहाँ पे, R2 जो है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो भी इनसाइड वाला। एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एमरजेंट फेस बोल सकते हो, या फिर इनसाइड वाला जो एंगल ऑफ R2 ये होगा। एंगल E जो होता है वो होता है इसमें एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, अब लाइट रे जिस फेस पे पड़ती है और जिस फेस से बाहर निकलती है उनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, लाइट रे जिस फेस पे पड़ेगी और जिस फेस से बाहर निकलती है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लो लाइट रे इस पे पड़ी है, इससे बाहर निकली, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। लाइट रे इधर पड़ी है, इससे बाहर निकली, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। लाइट रे ऐसे पड़ी, इधर बाहर निकली, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स नहीं है कि यही होगा। ये देखा जाता है कि लाइट रे किस फेस पे पड़ी है और किस फेस से बाहर आ रही है। ठीक है, जिस फेस पे पड़ेगी और जिस फेस से बाहर आ रही है उन दोनों के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आपको पहले तो यही बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है।
अब देखो लाइट रे जो है वो जानी चाहिए थी ऐसे, तो इसको पीछे मीट करो ऐसे, और जा रही ऐसे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये लाइट रे तो ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइट रे ऐसे जानी थी, इसको पीछे मीट कर लो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो आर आई वन आर वन आर टू ई और ए और डेल्टा में इन सभी में रिलेशन होते हैं, तीन रिलेशन होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आर वन आर टू ए में और ई में और डेल्टा में और इनमें, समझो यानी कि छह एंगल्स में आपस में रिलेशन होता है जिसके ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो रिलेशन पढ़ने हैं क्या होंगे, देखो फर्स्ट रिलेशन इसमें कि जो एंगल ऑफ फ्रीडम है वो इक्वल होता है आर वन प्लस आर टू के, एक रिलेशन तो ये है, एंगल ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, आर वन प्लस आर टू के, और दूसरा आई प्लस ई जो है वो इक्वल होता है ए प्लस डेल्टा के, आई प्लस ई किसके इक्वल होता है, ए प्लस डेल्टा के, आई प्लस ई इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा के। अब यहाँ पर इस फेस के लिए स्नैच रूल लगा दो, तो एन वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 टू साइन आर वन, और एक इस फेस के लिए स्नैच रूल लगा दो, तो N2 टू साइन आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 वन साइन ई। ठीक है, ये रिलेशंस होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि एक तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, एक I प्लस ई इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डेल्टा के। अब इसमें देखो ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो आई के इक्वल होगा कि नहीं, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो इस पूरे एंगल को इस एंगल को क्या मैं 90 माइनस आर वन लिख सकती हूँ, और इस पूरे एंगल को क्या 90 माइनस आर टू लिखा जा सकता है, ये वाला एंगल पूरा, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल। देखो आपको दोबारा ट्रायंगल बनते हैं, पहले आप लिख लो फिर बताते हो। दोबारा ड्रॉ करके था, ये वाला एंगल क्या है आई, ये आर वन और ये क्या है आर टू। ठीक है, अब इस केस में ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस आर टू, ऐसे है तो ये पूरा एंगल 90, समझ आ गया, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा आर टू, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर वन, और ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इस ट्रायंगल को ले लो ए बी सी, तो ए प्लस 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, तो यहाँ से ए माइनस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू के। ठीक है, अब देखो अब इस ट्रायंगल को देखो, हाँ आपकी मर्जी, अब इस ट्रायंगल को देखो, अब ये पूरा जो एंगल है ये क्या होता है I के इक्वल, तो इस एंगल को मैं लिख सकती हूँ I माइनस आर वन,
ये जो एंगल पूरा होगा ये ई के इक्वल होगा, तो इस एंगल को मैं लिख सकती हूँ ई माइनस आर टू। अब ये ट्रायंगल लिखो, ये वाली, इन दोनों एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल का। तो यहाँ पे आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा के। तो यहाँ से आई प्लस ई माइनस का आर वन प्लस आर टू ऐसा लिख सकते हैं, और आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो आई प्लस ई माइनस का ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा के। तो यहाँ से आई प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो प्लस डेल्टा प्लस में ए, एक रिलेशन है। आगे समझिए, यानी कि इन रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं कि एक तो आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल। दूसरा आता है कि आई प्लस ई इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा प्लस ए के इक्वल। आगे समझ, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा आपको, एंगल आई इक्वल टू है एंगल ई के इक्वल है रूट थ्री बाय फोर ए। ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये गिवन है आपको। एंगल आई इक्वल है किसके? ई के, और इक्वल टू किसके है? रूट थ्री बाय फोर ए के। फाइंड डेविएशन डेल्टा, डेविएशन बता दो। वैल्यू आएगी कुछ है कुछ, तो इसको थ्री बाय फोर ले लो, फिर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इसको करना है, तो i प्लस, हमें ये पता है कि i प्लस e इक्वल टू जो होगा वो किसके इक्वल होता है? a प्लस डेल्टा के, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 2i। और यहाँ से सीधा निकाल सकते हो कि i इक्वल टू e दे रखा है, तो i प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 5 4 इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म, वो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। हाँ, इक्विलेटर प्रिज्म दे तो रखिए आपको, इक्विलेटर प्रिज्म के तो तीनों एंगल सेम ही होंगे। तो 2i इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास? 45। तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? रुको, यानी कि रुको, मैं वो नहीं लगाना है, इसको सोल्व करेंगे तो 3 बाय 4 इंटू में 60, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 45 डिग्री के। तो आई और ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 45 के। तो यहाँ पे पुट कर दो, आई की वैल्यू भी 45 डिग्री प्लस इसकी भी क्या हो जाएगी? 45 डिग्री इक्वल टू ए के 60 प्लस डेल्टा। तो 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा। तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा इसमें? 30 डिग्री। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से तो हमने क्या निकाला? इक्विलेटर प्रिज्म है तो हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा? 60 डिग्री के इक्वल। तो आई और ई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 45 डिग्री। और एक रिलेशन ये पता होना चाहिए कि आई प्लस ई इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस डेल्टा। ठीक है, तो आई और ई पता है, ए पता है, तो डेल्टा निकल जाएगा। आगे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना।
लाइट रे इस फेस पे पड़ी है, ये नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ आई, और यहाँ पे ये मिरर लगा दिया, मतलब पॉलिशिंग कर दी, मेरे प्रिज्म क्या बन गया, एक मिरर बन गया। तो लाइट रे ऐसे नॉर्मली पड़ी है इसके ऊपर, तो नॉर्मली अगर पड़ेगी तो अपने पाथ को रिट्रेस बैक करती है, तो अपने पाथ को क्या कर रही है, जिस रास्ते से लाइट रे गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 30 डिग्री, एंगल आई बता दो क्या होगा। यहाँ पे ये एन वन मीडियम दे रखा है 1, और ये दे रखा है एन टू की वैल्यू दे रखी है रूट टू, तो साइन आई की वैल्यू बता दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो कितना होगा। थर्टी। चल देखो, इसमें पहली बात तो कि ये पता लग रहा है कि अगर नॉर्मली पड़ रही है तो आर टू की वैल्यू जीरो होगी, अगर लाइट रे नॉर्मली पड़ी है तो आर टू की वैल्यू जीरो होगी, मानते हैं इस बात को। तो हमें पता है आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के। तो यहाँ से आर टू तो जीरो, तो आर वन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ से अब एंगल स्नैच लगा दो, एन वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो एन वन वन है, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू की वैल्यू रूट टू इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2। तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/√2, यानी कि आई की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 45 डिग्री। यानी कि इस बात का पता होना चाहिए था कि अगर नॉर्मली लाइट रे पड़ती है तो उस केस में ये आर टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि अपने पास को रिट्रेस बैक करती है। दूसरा इस केस में ये रिलेशन पता होना चाहिए कि आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल, और दूसरा फिर तीसरा स्नेल फ्लो पता होना चाहिए। ठीक है, हेलो, वो पेन रह गया शायद आपका है क्या? जल्दी नोट करो। कैसे ये तो 30 हो गया, अगर ये 90 है तो वो साइड वाले में 90, ये ट्रायंगल है 90 और 30 वाले। इतना लंबा करना है क्यों है, आई बताना आपको, तो इन एंगल से लेना है क्या आपको, इसे इजी लगता है। तो आपका आंसर बता देते फिर, गलत कैसे था आप तो अपने तरीके से कर लो, उसमें तो मुझे पता ही नहीं है। 40 बताया था शायद आपने, 30 बताया था पहले, तो तो स्नेल्स तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा आपको, ये एंगल तो पता ही होना चाहिए, ये कैसे निकालोगे। इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं है वैसे भी, ये निकाल लगा कर लो यही नोट, कोई दूसरा तरीका हो तो आप देख लेना। इसमें वैसे इजी है कि अगर नॉर्मली पड़ी है तो हमें पता है कि आर टू जीरो हो गया, आर टू जीरो हो गया, आर टू जीरो, तो इसका मतलब आर वन ए के इक्वल हो गया, ए हमें गिवन है, आर वन की वैल्यू पता लगी 30, अब स्नेल्स लगाना है सीधा। अब देखो इसमें क्या करा कि एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, इस पे लाइट रे को नॉर्मली डाला, ऐसे क्या डाल दिया नॉर्मली, तो आई वन आई जीरो, तो आर वन भी जीरो, लाइट रे नॉर्मली पड़ी, तो उस केस में ऐसे गई लाइट रे, ठीक है, लाइट रे नॉर्मली पड़ी है तो ऐसे गई लाइट रे। तो अब इस केस में अब यहाँ से जानी चाहिए थी ऐसे, ये एन वन मीडियम है, ये क्या है एन टू मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल होगा तो अवे द नॉर्मल बैंड होगी, ऐसे जाएगी। तो उस केस में यहाँ पे क्या आता है, डेविएशन आता है, क्या आता है,
डेविएशन। साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि अगर लाइट रे को प्रिज्म पे नॉर्मली डाला जाता है तो उस केस में डेविएशन आता है। क्या आता है? डेविएशन, कुछ ना कुछ डेविएशन आता है कि लाइट रे नॉर्मली रही तो आई तो जीरो, आर वन भी जीरो, बट उस केस में यहाँ से आ जाएगी तो डेविएशन जिस रास्ते जानी थी उससे डेविएट हो जाती है, तो डेविएशन कुछ ना कुछ आता है इस केस में। तो उस केस में उन्होंने क्या देखा कि अगर हमने आई को जीरो करा, आई क्या है? जीरो। आई क्या हुआ? जीरो। तो डेविएशन कुछ ना कुछ आता है, उसको बोल दिया मान लो डेल्टा नोड। क्या बोल दिया इसको? डेल्टा नोड। अब आई को बढ़ाते जाओ, आई को क्या करते जाओ आप? बढ़ाते जाओ। जीरो डिग्री आई, वन डिग्री कर दो, टू डिग्री कर दो, थ्री डिग्री कर दो, तो डेविएशन क्या होता जाता है इस केस में? डिक्रीज होता जाएगा। डेविएशन क्या होता जाएगा? डिक्रीज। अगर आप आई की वैल्यू मान लो वन डिग्री करी तो डेविएशन मान लो डेल्टा बना गया, आई की वैल्यू टू डिग्री कर दी तो डेविएशन मान लो डेल्टा टू आ गया। तो इस तरीके से आई की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है? डिक्रीज। उन्होंने ये देखा प्रैक्टिकली करके। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई पी बोल दिया जिसको। क्या बोल दिया? आई पी। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर लाइट रे को डालते हैं नॉर्मल के साथ, एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा तो उस केस में डेविएशन जो है वो मिनिमम आता है। डेविएशन क्या आता है उस केस में? मिनिमम आता है। कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके केस में डेविएशन क्या आता है? मिनिमम आता है। जब आई को जीरो था तो डेविएशन आया कुछ ना कुछ, फिर डिक्रीज होता जा रहा है यहाँ से लेके, क्या होगा फिर? डिक्रीज। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिस केस में डेविएशन क्या देगा? मिनिमम डेविएशन आएगा, उससे कम नहीं, मिनिमम डेविएशन है। फिर अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे, फिर क्या करोगे आप? आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, आई की वैल्यू क्या कर दी आपने? 90 डिग्री कर दी, तो डेविएशन जो है वो फिर से क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाता है, और फिर से क्या हो जाएगा? डेल्टा के इक्वल। पहले डेविएशन आया, आई की वैल्यू जीरो थी तो डेविएशन आया कुछ ना कुछ, फिर आई की वैल्यू बढ़ाते गए तो डेविएशन क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता गया। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आई पी बोल दिया, जिस पर डेविएशन क्या आया? मिनिमम। फिर आपने बढ़ाते जाएगा उस पर्टिकुलर एंगल से, बढ़ाते गए आई इक्वल टू 90 कर दिया, तो फिर डेविएशन दोबारा से क्या हो गया? बढ़ने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। तो इस केस में यहाँ पे आई वर्सेस डेल्टा एक ग्राफ ड्रॉ करा गया कि अगर डेल्टा नोड, तो उस केस में कह सकते हो एक पर्टिकुलर आया मतलब आई डाले तो मैक्सिमम बोल सकते हो, फिर डिक्रीज होगा कि अगर आई जीरो डाला तो डेविएशन जो आता है वो मान लो कि उस केस में कुछ ना कुछ आया, मैक्सिमम आता है। अगर आई जीरो डालोगे तो डेविएशन मैक्सिमम आएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो डेविएशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस पर डेविएशन क्या आएगा? मिनिमम आएगा। फिर आई की वैल्यू अगर और बढ़ाते जाओगे इस एंगल से तो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जब आई 90 डिग्री होगा तो डेविएशन फिर से क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, फिर बढ़ता जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने मतलब बढ़ता जाएगा, फिर पहले मीन मैक्सिमम था, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा 90, फिर उधर से फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। इसका ग्राफ ड्रॉ करा उन्होंने प्रैक्टिकली, इसका ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझ आएगा कि पहले आई जीरो तो डेविएशन मैक्सिमम आता है, फिर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और फिर एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है? मिनिमम आता है, और फिर दोबारा से इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इस केस में इन्होंने क्या बनाएगा, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करा डेल्टा वर्सेस आई का, एक ग्राफ ड्रॉ करा है डेल्टा वर्सेस आई का। इस तरीके से ग्राफ बनता है इसमें। जब आई जीरो था तो डेविएशन के था डेल्टा नोड के इक्वल, और जब आई की वैल्यू किसके इक्वल थी? आई पे इक्वल, आई पी के इक्वल, तो डेविएशन क्या आता है? मिनिमम डेविएशन आता है। क्या आता है? मिनिमम डेविएशन। जब आई जीरो था तो डेविएशन किसके इक्वल था? डेल्टा नोड के इक्वल, मैक्सिमम डेविएशन आता है, फिर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर एंगल होता है आई पी, उस पर डेविएशन क्या आता है? मिनिमम आता है। डेविएशन क्या आता है उस केस में? मिनिमम आता है, फिर डेविए क्या होता है? इंक्रीज होता है। पैराबोलिक नहीं बनता, टिल्टी टूवर्ड द राइट साइड, राइट साइड ऐसे टिल्ट होता है। ठीक है, पैराबोलिक में तो प्रॉपर तरीके से मतलब एक लीनियरली ही डिक्रीज इंक्रीज होता है, तो इस केस में क्या होता है? सेल टिल्टेड होता है टुवर्ड्स राइट। तो इन्होंने क्या बताया, एक ग्राफ ड्रॉ करा डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि जब इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन आता है तो उस केस में एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्या होता है? एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे एक ही, अगर ऐसे होता
ये ग्राफ, तो कई सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल थे, बट ये क्या है, एक ही ऐसे बनाया तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इस पे क्या होता है, मिनिमम डेविएशन आता है। अब देखो जो बाकी के जो अदर अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, देखो यहाँ पे अगर अगर मान लो डेल्टा वन, तो कितने एंगल ऑफ इसी डेविएशन पे, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। फिर दूसरा अगर देखोगे तो इस पे भी क्या हो रहे हैं, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एक दूसरे के आई और ई है। एक मिनिमम डेविएशन को छोड़ के जितने भी डेविएशन आते हैं, हर डेविएशन के कोरिस्पोंडिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अदरवाइज हर एक एंगल ऑफ डेविएशन के कोरिस्पोंडिंग कितने होंगे, दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। मैं इसको और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये आई वन है तो ये क्या हो जाएगा, आई वन डैश। ये आई टू है तो ये क्या हो जाएगा, आई टू डैश। अब ये आई वन और आई वन डैश जो है एक दूसरे के आई और ई हैं, एक दूसरे के क्या हैं, आई और ई। देखो कैसे, मान लो ये प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, मान लो लाइट रे ऐसे पड़ी, तो इस केस में ये नॉर्मल ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा आई, ये आर वन, ये आर टू, और ये क्या हो जाएगा ई। तो लाइट रे को आपने ऐसे डाला, मान लो लाइट रे को क्या डाला, ऐसे। कोई पर्सन इधर से देख रहा है, मान लो डेविएशन जो ले लिया, इस केस में जो डेविएशन आया वो कितना है, मान लो 30 डिग्री। डेविएशन कितना आया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे डेविएशन 30 डिग्री आया, तो उस केस में किसी पर्सन ने ऐसे देखा, इधर से लाइट रे डाली, मान लो कोई पर्सन इधर से देख रहा है, कोई पर्सन क्या देख रहा है, इधर से देख रहा है, तो उसको डेविएशन कितना है उसके केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 45 ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले लिया, 45। तो जब 45 से लाइट रे डाली गई तो डेविएशन कितना रहा है, 30 डिग्री। मैं जनरल वैल्यू ले रही हूँ समझाने के लिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 लिया तो डेविएशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो इधर से देखेगा तो डेविएशन क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब मान लो आपने यहाँ मिरर लगा दिया, या फिर कोई पर्सन इधर से देख रहा है, उसके लिए एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये क्या उसके लिए इंसिडेंट रे, तो इधर से डाला, तो उस केस में अगर मान लो ये 45 है, तो ये उस केस में उसको क्या लगेगा कि एंगल ऑफ, ये मान लो आपने ले लिया कुछ और एंगल 30 डिग्री ले लिया, क्या ले लिया, कुछ और एंगल ले लिया 30 डिग्री, तो उस केस में इधर से तो 30 के कोरिस्पोंडिंग डेविएशन उसके लिए कुछ और होगा। तो यानी कि एक ही अगर इधर से देख रहा है तो डेविएशन कुछ और, इधर से देख रहा है तो डेविएशन कुछ और, बट इसने क्या कहा कि मिनिमम डेविएशन आता है, तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। तो ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हो कि जब मिनिमम डेविएशन आता है तो कितना, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो दो दो हो रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में अगर जब मिनिमम डेविएशन आता है तो एंगल आई जो है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ई के। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई के, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल आई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 45। तो ही दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, सेम होगा। समझ में आ गया। अब देखो अगर आई और ई इक्वल हैं तो आर वन आर टू भी इक्वल होंगे। आई और ई इक्वल हैं तो स्नेल्स लॉ लगाओ, ये क्या हो जाएगा, एन वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू साइन आर, आर वन और एन टू साइन आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन साइन ई। अब इस इक्वेशन में ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आर वन आर टू भी किसके इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल। जब इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल आई इक्वल क्या होता है, एंगल ई। पहली बात ये ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चंस में बोल दिया कि मिनिमम डेविएशन आ रहा है तो आप क्या ध्यान रखोगे कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, ई के इक्वल। और आर वन आर टू भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर आई वन आई टू है तो आर वन इक्वल टू क्या होगा, आर टू के। और जब आर वन इक्वल टू आर टू होगा तो जो बे रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बेस ऑफ प्रिज्म के। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ही होगा। जब आर वन आर टू क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गया, तो ये एंगल भी यही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, यही।
तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो यानी कि जब आर वन आर टू इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, पहली बात एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ई के, दूसरी बात आई और ई इक्वल होंगे तो आर वन और आर टू भी इक्वल होंगे, और आर वन और आर टू इक्वल होते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पैरेलल होती है किसके, बेस ऑफ प्रिज्म के, और ये तभी पॉसिबल जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। क्या होनी चाहिए उसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो ये अगर 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आर वन क्या हो जाएगा 30, और आर टू भी किसके इक्वल हो जाएगा 30, क्योंकि आई और ई इक्वल है, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60। तो अब ये 60, तो इस केस में ये भी कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना है 60, तो ये और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ये तो ऑलरेडी 60 थी, तो ये भी कितना आ गया 60 आ गया, तो ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तभी हो सकता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई है। तो यानी कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी तो उस केस में एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, यानी कि बे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, बेस ऑफ प्रिज्म के। यानी कि आपको, यानी कि एक अकेले मिनिमम डेविएशन को छोड़ के, अकेले एक मिनिमम डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, और इसके अलावा हर एक डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल हैं, और ये एक दूसरे के क्या हैं, आई और ई हैं। ये अगर आई है तो ये क्या होगा ई, ये आई वन, मान लो ये ई वन है, ये क्या हो जाएगा आई टू, ये क्या हो जाएगा ई टू। तो हर डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एक दूसरे के क्या हैं, आई और ई हैं, और एक्सेप्ट वन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पॉसिबल। समझ में आ गया, क्योंकि ग्राफ के थ्रू भी इसने ग्राफ में क्या कर रखा है कि जब मिनिमम डेविएशन होगा तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। अगर ये ऐसे बना देता तो कई सारे हो सकते थे, पर ग्राफ जब है ही ऐसे, समझ में आया इतना श्योर, इस बात को नोट करके लिख लो, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ये तो लिख लो, एंड रिफ्र एंगल आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टू के, एंड रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, एंड रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म इन केस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म, एंड रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म इन केस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। आइसोस्केल में भी देख लो कि अगर ये वाले दोनों एंगल दे रखे हैं और ऐसे लाइट रे जा रही है तो भी इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें दो एंगल इक्वल होते हैं आइसोस्केल्स में। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए तो ही ऐसा होगा। यहाँ तक कोई डाउट, ये बात समझ आ गई कि आई और ई कैसे होगा इक्वल, श्योर, आर वन आर टू कैसे इक्वल होंगे। अब देखो प्रिज्म जितना ज़्यादा डेंसर होगा मिनिमम डेविएशन उतना ही ज़्यादा आता है, प्रिज्म जितना ज़्यादा क्या होगा डेंसर होगा मिनिमम डेविएशन उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं कि इसमें मिनिमम डेविएशन निकाल लो कैसे, कि प्रिज्म में आपको आई दे दिया ई दे दिया, जो मिनिमम डेविएशन है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है, मिनिमम डेविएशन डिपेंड्स ऑन थ्री, मिनिमम डेविएशन डिपेंड्स ऑन एन वन एन टू और ए, इन तीनों पे डिपेंड करता है, इनर आउटर मीडियम, इनर मीडियम और एंगल ऑफ प्रिज्म, इन तीनों पे मिनिमम डेविएशन क्या करता है डिपेंड्स करता है। अब देखो वो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो अगर मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है तो यानी कि आर वन इक्वल टू क्या होगा आर टू के, ये होगा, और यानी कि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या होता है ए के इक्वल, इसके इक्वल होता है, तो यानी कि 2R लिख सकते हैं इसको, R1 R2 को क्या लिख सकते हैं R के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा A के इक्वल, तो R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी A बाय टू, इसके इक्वल आ जाएगी, और एक होता है I प्लस E इक्वल टू क्या होता है A प्लस डेल्टा, I और E इक्वल हैं तो 2I लिख सकते हो, और यहाँ पे डेविएशन जो होगा वो किसकी बात करें, मिनिमम डेविएशन की बात करें, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करें तो ये इसको क्या लिख सकते हो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम, यहां से i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय में 2,
ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आई की वैल्यू। अब इस फेस के लिए क्या लगा दो आप, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो यानी कि एन वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू साइन आर। ये एयर होता है ज्यादातर मीडियम्स में, क्या देता है एन वन, क्या देता है एयर के इक्वल। तो एन वन बाय या फिर एन टू बाय एन वन, एन टू बाय एन वन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइन आई डिवाइड बाय में साइन आर, इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसमें आई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे, आई आई की और आर की। इस इक्वेशन में एन टू बाय एन वन जो किसके इक्वल है, साइन आई बाय में साइन आर। तो एन टू बाय एन वन इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए प्लस साइन, ए प्लस साइन, ए प्लस डेल्टा मीन बाय टू डिवाइड बाय में साइन आर की वैल्यू क्या है, ए बाय टू। ये फॉर्मूला याद करना है, मैंने प्रूफ भी कर दिया इसको और ये याद भी करना है कि एन टू बाई एन वन किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइड बाई में साइन ए बाई टू। अब देखो इसमें एन वन एन अंदर का मीडियम बाहर का मीडियम चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब देखो इसमें एन वन एन टू और ए और डेल्टा मिनिमम, अगर डेल्टा मिनिमम निकालना है तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एन वन एन टू पे और ए पे। अब कहोगे कि इसमें हमें निकाल डेल्टा मिनिमम रहती है, ये तो इधर है, हमने सुना था कि जो निकाल रहे वो एक तरफ होता है और दूसरा एक तरफ। इसको अगर एक तरफ ले के जाओगे तो इनवर्स साइन की टर्म्स में इनवर्स इनवर्स की टर्म्स में आता है, तो इसी तरीके से याद रख लो। अगर यहाँ पे पूछ क्या सकता है एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ प्रिज्म का क्या होगा, तो यहाँ पे ये एयर होगा तो ये क्या हो जाएगा, एन पी के इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो ये सारी बातें आपको गिवन होगी, वहाँ से निकाल सकते हो आप। इतना समझ आया आपको, यानी कि एक फॉर्मूला ये याद करना है कि डेविएशन इन केस मिनिमम डेविएशन कैसे निकाले इन केस ऑफ प्रिज्म, तो वो क्या होगा, एन टू बाई एन वन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइड बाई में साइन ए बाई टू। एनी डाउट यहाँ तक, कुछ पूछना इस पूरी स्लाइड में? कुछ नहीं पूछना, नोट हो गया, फोटो ले लो फिर आप। अब देखो इसमें ये अब तक जो पढ़ रहे थे ये था थिक प्रिज्म, ये क्या है थिक प्रिज्म। एक होता है थिन प्रिज्म, एक क्या होता है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है कि जिसमें ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो या तो क्या हो 8 डिग्री या उससे कम हो, क्या होना चाहिए, या तो 8 डिग्री हो या उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। उसको क्या बोलेंगे, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 8 डिग्री या लेस देन 8 डिग्री, उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म, ए प्रिज्म हुज, ए प्रिज्म हुज एंगल ऑफ प्रिज्म प्रिज्म 8 डिग्री और लेस देन 8 डिग्री क्या होगा, 8 डिग्री होगा या फिर लेस देन 8 डिग्री, यानी कि लेस देन 8 डिग्री या फिर 8 डिग्री बोल सकते हो, वो क्या होगा थिन प्रिज्म का केस होगा। यानी कि ये थीटा क्या है, बहुत बहुत कम है। अब अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल, थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल हो, थीटा क्या हो वेरी वेरी स्मॉल, तो हम साइन थीटा को जो है वो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी मिनिमम डेविएशन का, तो थिन प्रिज्म के केस में मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला देखो, अभी हमने पढ़ा था थिक प्रिज्म के केस में एन टू बाई एन वन इक्वल टू क्या था, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू डिवाइड बाय में क्या था, साइन ए बाय टू, ये था। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या है, बहुत बहुत छोटा है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी थीटा के इक्वल। तो अगर थीटा बहुत बहुत कम हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर बहुत बहुत कम हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन टू बाय एन वन इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये एन वन मीडियम है, ये क्या है एन टू, और ये भी क्या है एन वन। तो अगर थीटा बहुत बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल। तो इस टर्म्स को क्या लिख सकते हो, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू डिवाइड बाय में ए बाय टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख लो, ए बाय टू प्लस डेल्टा मीन बाय टू
डिवाइड बाय में ए बाय टू, या फिर इस केस में इसको ऐसे ना लिख के जे इसमें टू से टू कट कर दो, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एन टू बाय एन वन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मीन बाय में ए। तो एन टू बाय एन वन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए बाय ए प्लस डेल्टा मीन बाय ए, ये वन हो जाएगा। तो यहाँ से एन टू बाय एन वन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वन प्लस डेल्टा मीन बाय ए, इसके इक्वल आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, डेल्टा मिनिमम। तो ये आ जाएगा आपके पास इसी को अगर एन टू बाय एन वन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन बाय ए, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एन टू बाय एन वन माइनस वन इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा मिनिमम। एक फॉर्मूला ये याद रखना आपको, थिन प्रिज्म के केस में मिनिमम डेविएशन होता है एन टू बाई एन वन माइनस वन इंटू में ए। अब एन वन की वैल्यू ज़्यादातर वन देगा, एन वन की वैल्यू क्या देगा, ज़्यादातर वन दे देगा। तो इस केस में डेल्टा मिनिमम जो है वो क्या आ जाएगा, एन टू माइनस वन इंटू में ए, ये होता है एन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एक ये याद रखना है कि अगर थिन प्रिज्म दे दिया और फिर मिनिमम डेविएशन पूछ लिया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एन टू माइनस वन इंटू में ए। एन क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। वैसे एन टू बाई एन वन होता है, एन वन की वैल्यू अगर एयर दे दी तो एन टू माइनस वन इंटू ए, ज़्यादातर केसेज में 99% में एयर ही देता है बाहर, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन टू माइनस एन वन इंटू में क्या आ जाएगा, एन टू माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, ए। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ थिन प्रिज्म। मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे दी आपको, 4 डिग्री, एन टू की वैल्यू दे दी आपको मान लो 1.5। तो यहाँ पे डेविएशन कितना आ जाएगा, एन टू की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, 4। तो मिनिमम डेविएशन कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू में 4, यानी कि 2। तो यानी कि आपको याद क्या रखना है प्रिज्म के केस में, पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये चार रिलेशन याद रखने हैं कि आर वन प्लस आर टू इक्वल होता है किसके, आर वन प्लस आर टू इक्वल होगा ए के, और दूसरा आई प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा के, और स्नेल्स लॉ लगा दो इस फेस पे और इस फेस पे। दूसरा इस केस में याद रखना आपको कि अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, ई के, और आर वन इक्वल टू आर टू के। और इस केस में मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एन टू बाई एन वन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइड बाई में साइन ए बाई टू। यहाँ पे अगर मिनिमम डेविएशन है तो आई इक्वल टू ई होगा, आई इक्वल टू ई है तो आर वन प्लस आर वन और आर टू भी क्या होंगे, इक्वल, और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बेस ऑफ प्रिज्म के। ये डेविएशन और थिन प्रिज्म क्या होता है कि जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 8 डिग्री या फिर लेस देन 8 डिग्री, और इस केस में डेविएशन कितना हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन इंटू में ए। ये था किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। कुछ पूछना है इसमें,